केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने की घोषणा की है। बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए सीधे कर्मचारियों के खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि तुरंत पैसे ट्रांसफ़र करने का आदेश दे दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम की घोषणा की थी। इस स्कीम के जरिए कर्मचारी एडवांस में 10,000 रुपये ले सकेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए प्रोडक्टिविटी और नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्स बोनस को मंजूरी दी है। इस घोषणा से 30 लाख नॉन गजेटेड कर्मचारियों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि विजयदशमी या दुर्गा पूजा से पहले ही केंद्र सरकार के 30 लाख कर्मचारियों को 3,337 करोड़ रुपए के बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जम्मू कश्मीर में जिला पंचायत चुनाव कराने के लिए भी मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में सभी कानून लागू हो गए हैं। पिछले हफ्ते ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कानून हो गया है। आज केंद्रीय कैबिनेट ने जिला परिषद से सीधा चुनाव कराने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर चुनाव होगा। अब जम्मू कश्मीर में भी त्रिस्तरीय पंचायत होगी। इसके लिए उन्हें आर्थिक सत्ता भी मिलेगी। अभी चुनाव की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी और लोग मताधिकार से अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो वादा किया था वह पूरा हो गया है। मोदी कैबिनेट के इन बड़े फैसलों को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज 81 हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।